आप अपने कुछ पैसे बचाने के लिए बिजली वाले को कह देते हैं जी आप जो है ना वो कैमरास की भी केबलिंग कर दें, नेटवर्किंग की भी और इंटरकॉम की भी। अब बिजली वाला क्या गलती करता है कि ये मेन इनकी थ्री फेज़ वायरिंग है, मेन जो डीपी बॉक्स होता है। अब यहाँ पर 6 फ्लोर्स हैं और 6 के 6 फ्लोर्स में इसी तरह से नीचे के जा रही हैं। अब उसी में उसने कैमरे की भी तार डाल दी और नेटवर्किंग की भी, उसी में ही नेटवर्किंग की भी इंटरकॉम की भी। मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ। अब हमेशा जिसका काम होता है उसी को देते नहीं, अपने कुछ पैसे बचाने के लिए आप लोग बिजली वाले कोई पैसे दे देते हो जी, उसी में ही आप डाल दो। अब ये देखें एक पाइप ऊपर आ रहा है, उसी में बिजली की है, उसी में कैमरे की है। अब ये क्या होगा कि जब हम लोग कैमरास लगाएंगे तो बीच में लहरें आना शुरू हो जाएंगी। अब ये मैं इस नीचे वाले फ्लोर पे आ गया, यहाँ पर देखें इधर भी सीसीटीवी कैमरे की केबलिंग सारी हुई हुई है, नेटवर्किंग की, और इसी तरह नीचे आए। अब इस फ्लोर पे भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी देखें कि कैमरे की वायर, ये नेटवर्किंग की, और ये साथ ही टीवी की भी, एक ही जगह से सब कुछ लेके गया है। सो हमेशा आप जो है ना किसी अच्छे वेंडर को बुलवाएं ताकि वो काम भी आपका अच्छा करे, जो जानता हो। ये नहीं कि आपने बिजली वाले को सारा कुछ दे देना जी, ये ले आओ ये ले आओ, उसको पता पुता होता कुछ नहीं है और वो उसी में डाल के चला जाता है।